हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। मैं हूं आपकी दोस्त अनीका। और सबसे पहले सवाल मेरा हमेशा की तरह यही होगा कि आप सब कैसे हैं, और उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूं मूवी वैनम 2, या बोलो वैनम लेट्स देयर बी कार्नेज का। ये मूवी सबसे पहले बता दूं कि इंडिया में अभी रिलीज़ नहीं हुई है, और इंडिया में 14 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। पर उससे पहले मैंने देख ली है, और मैं मूवी का रिव्यू ज़रूर करूंगी अगर मैंने देख ली है तो। अब कैसे देखी है, कहाँ से देखी है, ये सारी तो बहुत बड़ी बातें हैं, और इन सवालों के जवाब तो आपको मुझे पर्सनल इंस्टा करने पड़ेंगे तो आपको मिलेंगे। अब बताती हूँ मैं मूवी के बारे में, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे चैनल पे लाइक शेयर कर सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन सी मूवी या सीरीज़ का रिव्यू देखना है। पर फिलहाल तो हम वैनम 2 का रिव्यू करने वाले हैं। अब वैनम जब मैंने देखी थी ना, फर्स्ट वैनम जो आई थी, मुझे वो देख के ओके ओके लगी थी। मतलब ठीक थी मूवी, अच्छी थी थोड़ा। मतलब जो मार्वल्स है तो ऑब्वियसली उसमें अच्छे स्टंट्स या कुछ हाइपर एक्टिविटी देखना कॉमन था। पर वैनम 2, जैसा हमने सुना था कि ये सिक्वल है वैनम का, तो इससे कैसी उम्मीदें होनी चाहिए थी। मूवी में सच बोलूँगी, वैनम 2 के बारे में अगर एक लाइन में बोलूँ तो यार, ये मूवी थिएटर में ही रिलीज़ होनी बनती है, और इस मूवी को ज़रूर ज़रूर देखना। अब क्यों देखना है और मैंने इतना ज़रूर पे प्रेशर क्यों किया है, क्योंकि ये उसके फर्स्ट पार्ट से बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे स्टोरी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, थोड़ी सी दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये मूवी ज़रूर देखें। अब मूवी में जैसा कि हमको पता है कि एडी ब्रॉक जो उसके पास वैनम है, जो कि उसका भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और दोनों साथ में रहते हैं हंसी खुशी। मतलब गर्लफ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ चुके थे फर्स्ट पार्ट में। पर अब क्या होगा सेकेंड पार्ट में, वो तो भाई वैनम के साथ खुश थे, और जैसा कि नाम में था लेट्स देयर बी कार्नेज, तो एक कार्नेज का क्या फंडा है। मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाते कि एडी ब्रॉक और जो उनका वैनम है दोनों साथ में हैं, खुश हैं, अच्छे से हैं। पर क्या है, दोनों में थोड़ा ईगो आने लग गया आजकल, दोनों को प्रॉब्लम होने लगा है एक दूसरे से। अब साथ में कोई भी रहे तो थोड़ा लड़ाई तो होती है, गर्लफ्रेंड हो या वैनम हो, ऐसे ही कुछ लड़ाई इन दोनों के बीच में भी होती है। Sorry, I don't know what came over me. Please let me fix it so I can push it again. You are a loser. और ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, नहीं 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 हम तुमको छोड़ रहे हैं, और छोड़ देते हैं। यहाँ तक ठीक था, पर उसके पहले यहाँ पे अब ये काम भी कर ले थोड़ा बहुत एडी ब्रॉक, तो ये मिलने जाते हैं एक से सीरियल किलर, कौन हो सकता है, वही क्लीटस। क्लीटस के बारे में बोलूँगी यार, उनने बहुत अमेजिंग एक्टिंग करी है कंपैरेटिवली उनके फर्स्ट पार्ट से। तो वो उनसे मिलने जाते, तब वैनम उनके साथ ही रहता है, और जब वो वहाँ उनसे मिलने जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। अब क्या होता है ये तो आप मेरा पूरा रिव्यू देखो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है। अब कार्नेज, कार्नेज क्या है, तो हमको दिखाया गया था ट्रेलर में कि दो वैनम्स लड़ रहे थे, और दो वैनम्स थे कि एक वैनम था एक कार्नेज था। Where you going? That is a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh yeah! Betty. ये मूवी में है, ये मैंने आपको एक स्पॉइलर दिया है। नाम के स्पॉइलर देने से कुछ नहीं होता, बट ये कार्नेज कहाँ से आया ये मैं नहीं बता सकती हूँ। अब भाई वो मिलने गए थे, कुछ हुआ, वो आए फाइनली, और दोनों में तो लड़ाई हो गई, वैनम तो अलग हो गया एडी से। अब दोनों साथ में कैसे मिलेंगे, फिर क्या होता है, कार्नेज भाई साहब आ जाते हैं हमारे, वो अटैक करते हैं। अटैक करेंगे तो थोड़ा कुछ तो होगा। अब भाई वैनम तो खुश है, वो बोलता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है एडी के पास जाने की। उसको लगता था कि वो मेरे बिना बहुत कुछ है, पर उसको भी पता चलना चाहिए, ईगो प्रॉब्लम। और वहाँ पे फाइनली काम आती है लड़कियों की अदाएं। ऑब्वियसली वैनम भी लड़कियों पे फिदा है, और उनको पसंद कौन है, एडी की एक्स गर्लफ्रेंड। अब भाई उनको वो पसंद है, और वो थोड़ा सा प्यार से वैनम से बातें करती है, और फाइनली वैनम को लेके जाती हैं साथ में। वैनम चला जाता है,
पर जो कार्नेज है और जो क्लीटस है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, इसमें थोड़ा रोमांस भी है। हाँ दोस्तों, रोमांस और वेनम कैसा हो सकता है? ऑब्वियसली रोमांस में भी कुछ गंदा होगा, अच्छा तो नहीं होगा। क्या गंदा हो सकता है? अब भाई कार्नेज, या ये बोले जो हमारा क्लीटस था, दुश्मन था, वो तो सीरियल किलर था, अब उसकी गर्लफ्रेंड कैसी हो सकती है? अब नॉर्मल गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी, किलर है तो गर्लफ्रेंड भी थोड़ी सी गुंडागर्दी वाली टाइप सी होगी, ऐसा ही कुछ दिखाया था। क्लीटस को बचपन में प्यार होता है, और किससे होता है? बैरिसन से। और बैरिसन क्या है? वो भी थोड़ा सा मतलब राक्षसी टाइप, हॉरर टाइप तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ उनकी हरकतें गंदी थी और दिख बहुत गंदी रही थी। उनकी हरकतों की वजह से उनको अलग ले जाते हैं और क्लीटस को अलग रख देते हैं। फाइनली क्लीटस अपना प्यार पाना चाहता है, उसे दुनिया की क्या पड़ी। और क्लीटस अपना प्यार पाने के लिए जाता है, कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे बैरिसन है, और उसको कौन लेके जा सकता है? देखो भाई, मूवी में बहुत सारे सवाल थे स्टार्टिंग में, कि कार्नेज कहाँ से आया, क्लीटस को बैरिसन कैसे मिलेगी, एडी ने जो अपना वेनम छोड़ दिया है, दोनों साथ में कैसे आएंगे। ये सारे सवालों के जवाब तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे। पर हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्पॉइलर और देना चाहूँगी। कोशिश करें, थोड़ा दिमाग पे जोर दें और जानने की कोशिश करें कि कार्नेज कैसे आया। क्या सेटेलाइट फिर से आई थी? वो टेरिस्ट्रियल सेटेलाइट जहाँ से वेनम आया था, मतलब कैसे वहाँ से कार्नेज आ गया? या कार्नेज कहीं और से पैदा हो गया? कैसे हो सकता है पैदा? ऐसा कुछ सोचो और थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि मूवी देखने जाना है कि नहीं। और मूवी देखने जाना तो ज़रूरी है, और स्पेशली थिएटर में है, स्टंट्स बहुत सारे हैं। एक और बात, यहाँ पे देखो, जैसा कार्नेज के हिसाब से होता है ना, थोड़ा खून होता है, यहाँ पे खून वाली लड़ाई तो नहीं है। और लास्ट के 15 मिनट की लड़ाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और सही बताऊँ, मूवी में स्टोरी चल रही है, लड़ाई हो रही है, और साथ में हमारा वेनम कॉमेडी करने से और प्यार करने से नहीं मान रहा है, तो मूवी इन ऑल टोटल बहुत बहुत अच्छी है। उसके फर्स्ट पार्ट से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मूवी देखना ज़रूर बनता है। स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी करी है एडी ब्रॉक ने भी, और साथ में क्लीटस ने भी, बैरिसन ने भी अच्छा करा है एक्सप्रेशंस। पर विंग को थोड़ा सा कम रोल मिला था शायद, मतलब एडी ब्रॉक की गर्लफ्रेंड को थोड़ा और रोल दे देना चाहिए था, ओके थी उनकी भी एक्टिंग के नाम पे मूवी अच्छी थी। स्क्रीन प्ले बहुत ही ऑसम था, सीन्स जो दिए उन्होंने बहुत अच्छे थे, लड़ाई में मतलब ऐसा लग रहा था कि फन है, इंगेजिंग मूवी है, ऑल टोटल मस्ती है। मूवी ज़रूर देखना, और साथ में मुझे भी ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगता है। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।